तुम समस्त वीडियो को स्वागत आम देखिले जे किपरी गोलकर आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर उपरे आधारित आमर दैनंदिन जीवन समस्या गुड़ी समाधान करा जाई पारिबो। आज एही वीडियो रे आमे अर्धगोलकर आयतन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर उपरे आधारित मजालिया उदाहरण देखिबा। अरे बा, आज तो कैंटीन रे भोजन सह दही मध्य मिलुची। मते मा प्रतिदिन अति कम रे 100 ग्राम रो दही खाइबा को कहिसंती। एहा तो बहुत भलो कथा मानस। कौन एही गिना रे 100 ग्राम रु अधिक दही थिबो? एहा तो मु जानी नाही, किंतु आमे एहार उत्तर गणित द्वारा निर्णय करी पारिबा। एहा गणितर समय अटे। देखो थॉमस, गिनाटी अर्ध गोलाकार अटे ओ एथिरे जेतिकी स्थान दही पूर्ण अछि सेइटा ताहार आभ्यंतरीण आयतन सह समान हेबो। तेणु सर्वप्रथमे आमको एही गिनार आभ्यंतरीण आयतन निर्णय करिबाकु हेबो। हाँ, गिनार आभ्यंतरीण व्यास 8.4 सेंटीमीटर अटे। एहार अर्थ एहार आभ्यंतरीण व्यासार्ध एहार आभ्यंतरीण व्यासर अधा बा 4.2 सेंटीमीटर अटे। अर्धगोलकर आयतन वॉल्यूम ऑफ हेमोस्फीयर रो सूत्र 2/3 पाई वो आर रो घन गुणफल सह समान हेबो, जेउठी आर हेउची अर्धगोलकर व्यासार्ध। एबे मु एठारे 8 स्थानरे गिनार आभ्यंतरीण व्यासार्ध 4.2 सेंटीमीटर लेखि शीघ्र समाधान करि देउची। अर्धगोलाकार गिनार आभ्यंतरीण आयतन 155.23 घन सेंटीमीटर अटे। जेहेतु एक घन सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर सह समान अटे, तेणु आमे कही पारिबा जे गिनार आभ्यंतरीण आयतन बा दहीर आयतन 155.23 मिलीलीटर अटे। मानस, आमको गिनार आभ्यंतरीण आयतन बा दहीर आयतन तो मिलीगला, किंतु आमे एथिरु दहीर वस्तुत्व किपरि निर्णय करिबा? वस्तुत्व हेउछि आयतन ओ घनत्वर गुणनफल। आमे दहीर आयतन जानिछे ओ आमे एहा मध्य जानिछे जे दहीर घनत्व पाखापाखि 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर अटे। तेणु बास, आमे एही वस्तुत्वर सूत्ररे दहीर आयतन 155.23 मिलीलीटर वो घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर लेखि एहाको समाधान करिबाकु हेबो। देखो थॉमस, आमको आमर उत्तर मिलिगला। गिनारे 155.23 ग्राम बा पाखापाखि 155 ग्राम दही अछि। अरे बा मानस, एहा तो 100 ग्राम रु अधिक अटे। एहार अर्थ तुमे प्रतिदिन 1 गिना दही खाई निज मांको कथा मानि पारिबो। बिल्कुल। एबे चलो आमे एही खेल बंद करिबा ओ तुमे मध्ये मो सह प्रतिदिन एही गिना दही खाओ। ताहले आमे दुई जनक स्वास्थ्य सबबेले भल रहिबो। सांगो माने, एही वीडियो रे आमे अर्धगोलकर आयतन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर उपरे आधारित एक मजालिया उदाहरण देखिले। आशा करुछु जे एबे तुमे गोलक ओ अर्धगोलकर आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर विषय रे भलो भाबे बुझी जाइथिबो।